हाय एवरीवन, तो मैं आप लोगों के साथ आज एक शेयर कर रही हूँ। इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये है डिस्टिक एलईडी रिंग लाइट है। तो मैं इसका रिव्यू तो नहीं, मेरा जस्ट आज ही ये पार्सल रिसीव हुआ है, तो मैं बताऊंगी कि ये मतलब कि ये कैसा है, स्ट्रांग है या नहीं, इसके रॉड कैसे हैं। और तो चलिए इसके पार्ट्स देख लेते हैं। तो मैं जो ली हूँ वो 1700 का आया है। और क्यों मैं ली हूँ, क्योंकि उसके साथ एक मिनी ट्राइपॉड स्टैंड यहाँ पे लिखा हुआ है, मिनी ट्राइपॉड स्टैंड इंक्लूडेड है इस पैकेज में, इसीलिए मैंने ये लिया है। तो एक कुछ ऐसा हो जाएगा सेटअप, तो मैं इंस्टॉल करती हूँ, इसको बताती हूँ और एक कैसा है, हैवी है या लाइट वेट है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। तो यह है डिजिटिक एलईडी रिंग लाइट कॉम्बो पैक है विद 5 फीट लाइट स्टैंड। जो लाइट स्टैंड है 5 फीट का है, मॉडल नंबर है DRL14C, ड्यूअल कलर टेम्परेचर, ठीक है। इसका पावर आउटपुट है 30 वाट का और ड्यूअल कलर टेम्परेचर है 3200K to 6500K और इल्यूमिनेशन है इसका 2700 LM और विद मिनी ट्राइपॉड स्टैंड। अगर आपको मिनी ट्राइपॉड स्टैंड नहीं लेना है तो उसका प्राइस आपको आ रहा है अमेजोन पे 1600, और अगर ये इंक्लूडेड आप ले रहे हैं तो उसका प्राइस आ रहा है आपको 1700। तो मैंने ये ले लिया कहीं छोटे छोटे जगहों पे ना, ये छोटा सा मिनी ट्राइपॉड स्टैंड ये होता। तो पहले मैं दिखाती हूँ इसके पार्ट्स क्या क्या आए हैं। तो इसको मैं साइड कर देती हूँ। तो ये मोबाइल इसमें अटैच होगा कुछ इस तरीके से, एक साइड जो है ये ऊपर होता है और ये फिक्स है। तो इस तरीके से इसमें कोई भी मोबाइल आपका अटैच हो जाएगा, ठीक है। और ये है जो ये, और ये मेटल वायर है अंदर से, ये मेटल वायर है। तो ये आपको रोटेट हो जाएगा, ये टिल्ट हो मतलब कि लेफ्ट राइट अप डाउन सभी तरह से वेंट हो जाता है, तो कुछ ऐसा है ये। और ये मोबाइल होल्डर हो गया, ठीक है, एक पार्ट इसका ये हो गया। एंड इसका जो है ये है टिल्ट एडजस्टर है, इसको बोलते हैं एडजस्टर है। इसमें आप रिंग लाइट को अटैच करेंगे इस हुक में, और यहाँ पे जो स्क्रू दिया हुआ है इससे लूज होगा। और ये भी रोटेट होता है आपका 360 मतलब कि राउंड में रोटेट होगा। और ये स्क्रू है, इससे टाइट लूज आप कर सकते हैं। तो ये एडजस्टर इसको बोलेंगे, टिल्ट एडजस्टर दो हो गया और ये मोबाइल होल्डर हो गया। और अब इसमें मैं दिखाती हूँ, एक है ये रिंग लाइट आया है, मैं रिंग लाइट के साथ जो आता है बोली हूँ। तो ये हमारा है रिंग लाइट और इसमें एक एडेप्टर लगा हुआ है केबल। तो ये हो गया आपका रिंग लाइट, ये मेरा 12 इंच का है, 12 इंच का है। और इसके साथ एडेप्टर है, ये लंबा है, ये भी बंधा हुआ है। और ये जो फंक्शन है यहाँ पे, ये पावर का बटन है और माइनस प्लस, इससे लाइट का जो होगा वो तेज होगा और इससे होगा डाउन होगा, अप होगा डाउन होगा, और ये मीडियम है, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके साथ एक आया है ट्राइपॉड स्टैंड, और बस और कुछ भी नहीं है इसमें, बाकी इसको मैं साइड कर देती हूँ। और ये आ गया आपका ट्राइपॉड स्टैंड। तो चलिए बताते हैं ओपन कैसे होगा, ये ओपन कैसे होगा। तो इस तरीके से है, तो इसको क्या करना है, जो ये यहाँ पे स्क्रू है इसको जस्ट एंटी क्लॉकवाइज इसको करना है, और ये हो जाएगा आपका डॉन, ठीक है। बस एंटी क्लॉकवाइज करना है और ये स्टैंड आपका हो गया। और यहाँ पे फिर आप टाइट कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे आप इसको, ये जो है स्क्रू दिया हुआ, इसको आप एंटी क्लॉक वाइज कीजिए, ये अप होता जाएगा। तो मैं इसको खड़ा होकर दिखाती हूँ, और फिर इसको आप इसको एंटी क्लॉक वाइज करेंगे तो और भी ये ऊपर, और एक ये नीचे का रह गया, इसको आप लूज करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट 5 फीट का है, उससे थोड़ा, और इसको आप लूज करेंगे, इसको बाद में बताऊंगी। तो ये हो गया। तो और यहाँ पे अटैच होगा आपका ये टिल्ट एडजस्टर जो है, वो अटैच करेंगे पहले, जो टिल्ट एडजस्टर है इसमें अटैच करेंगे इसको इस तरीके से, पास से दिखा रही हूँ, वो इसमें अटैच करेंगे। इसको मैं थोड़ा डाउन कर देती हूँ,
और ये हमारा हो गया, यहाँ पे जो बटन स्क्रू दिया हुआ है इसको इसमें इस तरीके से इंस्टॉल करेंगे। हो गया हमारा, और यहाँ पे स्क्रू है, इससे आप अच्छे से इसको पकड़े, यहाँ पे इसको होल्ड, इसको हाथ से पकड़ के ही इस स्क्रू को लूज या टाइट जो भी करना है करें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और इसके ऊपर ये आ जाएगा ये कैमरा होल्डर, इसको आप इस तरीके से सीधा कर दें, और ये हो गया। और यहाँ पे मोबाइल आप इसमें कनेक्ट कर दीजिए इस तरीके से, ये रोटेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मैं लाइट दिखाती हूँ, मेरे पास पावर बैंक है, मैं पावर बैंक में इसको एडेप्टर में एडेप्टर यूज कर नहीं कर रही हूँ, पावर बैंक है। आप चाहे तो मोबाइल का जो एडेप्टर होता है वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ इसका लाइटनिंग। तो यहाँ पे ये जो इसमें है ब्लू लाइट ऑन हो गया, अब इस देखिए ये व्हाइट लाइट है, ऑन ऑफ हो गया इससे, इस बटन से जो ऊपर का पावर बटन है इससे ऑन होगा ऑफ होगा। और यहाँ पे जो है माइनस, इससे लाइट का जो इंटेंसिटी है वो कमता जाएगा, देखिए कम हो रहा है माइनस, और प्लस करेंगे तो ये बढ़ता जाएगा। और ये जो मिडल में दिया हुआ है इससे कलर आपका येलो लाइट हो गया, व्हाइट लाइट, वार्म लाइट, ये हो गया चेंज होता है इससे कलर, तो ठीक है। और तो मेरे को तो अच्छा लगा, हैवी स्टैंड है इसका, लाइट वेट नहीं है, कहीं भी आप इसे रख सकते हैं। और एक चीज और मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा है, तो इसको मैं लाइट ऑफ करके मैं आप लोग को एक बार दिखा रही हूँ। ये देखिए ये लाइट ऑफ हो गया, और ये है इसमें ये है पावर बटन, तो इसको ऑन करती हूँ तो ऑन हो गया, और इसी को प्रेस फिर से करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और इसके नीचे जो माइनस है, पावर बटन ऑन किए, ये जो माइनस का बटन है ना, इसको प्रेस करेंगे तो लाइट का जो इंटेंसिटी है वो कम होता जाएगा, देखिए। और ये प्लस है इसमें तो बढ़ता जाएगा, है ना। तो और ये सेंटर में जो है डबल एरो जो दिया हुआ है, इससे आपका कलर चेंज होगा, वाइट, वार्म, येलो लाइट, ठीक है, कुछ ऐसा है। तो अभी पावर ऑफ करती हूँ, और इसको आप इस तरीके से भी खड़ा मतलब कि कर सकते हैं, बेस बन जाएगा एक आपका। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो स्क्रू दिया हुआ है स्क्रू, इसको लूज करके थोड़ा तरीके से भी आप स्टैंड कर सकते हैं, इसको लूज करके। मैं एक्चुअली कैमरा पकड़ी हुई थी तो नहीं हुआ, वो आप जब करेंगे ना तो इजी वे में हो जाएगा, इसको लूज करके। और इस तरीके से भी आप स्टैंड कर सकते हैं, और भी थोड़ा ये मुड़ जाएगा, देखिए इस तरीके से और भी मुड़ जाएगा, बट उतना ज़्यादा करेंगे ना तो गिरने का चांस होता है। और ये 5 फीट है, इसको ऊपर से नीचे तक मैं आपको एक व्यू देती हूँ। कुछ ऐसा है इसका सेटअप, ठीक है। तो बस यही था मेरे पास, मैं आज और इसमें भी सेम जैसे इसमें कनेक्ट किए हैं, इस ट्राईपॉड में भी इसको आप यहाँ पे जो टिल्ट एडजस्टर है उसको करेंगे, देन रिंग लाइट इसमें एडजस्ट करेंगे, और देन रिंग लाइट के ऊपर जो होगा उसमें मोबाइल होल्डर का जो वायर है उसको एडजस्ट करेंगे, फिर मोबाइल को, सेम प्रोसेस है इसमें भी। किसी दिन मैं इसको भी शेयर करूँगी, तो अभी बस इतना ही। तो कैसा लगा आप लोग को, मुझे तो अच्छा लगा, ये डिजिटेक का है, 1700 में आया है, और मेरा बेटा यहीं पर बैठा हुआ है, ये सोच रहा है कि मम्मा ये क्या लाई है। तो इसको मैं अभी अच्छे से बताऊंगी कि ये क्या है, और एक वहां से देख रहा है, उसका जैकेट भी खोल गया, अक्षित खोल दिया है ना, तुम खोल दिया ना, तुम खोला ना, उसको गर्मी लग रहा है, तुमको पता चल गया। चलिए ठीक है, तो ये है मेरा न्यू ट्राईपॉड स्टैंड। अब और भी अच्छा अच्छा वीडियो मैं बनाऊंगी और आप लोग के साथ शेयर करूंगी, और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आई होप मैं जैसे भी एक्सप्लेन करी हूँ आप लोग को समझ में आया है। और क्या होता है, अभी तो लग रहा है कि क्या है कैसा है, बट अब करते लगेंगे ना तो खुद ब खुद ही बहुत ईजी है। इसमें आपका सब कुछ दिया हुआ है, ये जो है इसमें सारा मेंशन है कौन सा पार्ट क्या है। तो देखिए यहाँ पे है पैकेज कंटेंट्स रिंग लाइट, यूएसबी केबल एंड कंट्रोल,
5 फीट लाइट स्टैंड, पैन एंड टिल्ट एडजस्टर है, फोन होल्डर है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल इसमें सब कुछ आपका दिया हुआ है और बस, और इसमें कुछ भी नहीं है, खाली डब्बा है। तो ये हो गया हमारा डिजिटेक का एलईडी रिंग लाइट, सारा ये है। और पीछे जो है इसका मैक्सिमम लोड वेट है इसका 5 kg का, थोड़ा सा ये मीटा हुआ है। डायमीटर जो है रिंग लाइट का 24 mm है और अच्छा है, स्टडी है। रिवर्स फोल्डिंग लाइट स्टैंड है विद स्क्रू, सारा कुछ मुझे पसंद आया, मुझे अच्छा लगा। और बाकी इसका मैं बनाती हूँ इससे वीडियो, फिर देखती हूँ कैसा होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अपना, ठीक है, बाय बाय। इस ब्लॉग में बस यही है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को देखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और बॉटम का स्क्रू आप लूज करके इस तरीके से इसका बेस बना सकते हैं, 3 लाइन जो है इस तरीके से आपका फर्श पे हो जाएगा।